हे हेलो एवरीवन, दिस इज जगन्नाथ विश्वास एंड आप सब लोग देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल फिश लवर जसवीर। सो बहुत दिनों के बाद मैं और एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो आज मैं आ गया सोमदा के घर। ठीक है, आप सब लोग दादा का दूसरा पार्ट वीडियो देखा था, वो वीडियो अगर नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे दूँगा, आप सब लोग ज़रूर वो वीडियो देख लेना। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दादा, बहुत सारे गप्पी का कलेक्शन आप सब लोगों को दिखाएगा। गप्पी आप सब लोगों का फेवरेट फिश है, मेरा भी फेवरेट फिश है। सो आप सब लोग ये पूरा वीडियो देखते रहो, बहुत ही इंजॉय करोगे और बहुत ही क्वालिटी गप्पी दादा के पास है। मैं दादा का ये क्वालिटी गप्पी का वीडियो में देखकर दादा का वीडियो करने के लिए आ गया। सो आप सब लोग पूरा वीडियो देखते रहो। सोमदा कैसे हो आप? बहुत ही अच्छे हैं, आप कैसे हो भाई? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और तुमको और तुम्हारे फैमिली के और तुम्हारे व्यूअर सबको शुभ भैया। तो आज जगन्नाथ भाई फिर से आया है। पिछले बार बेट्टा का वीडियो बना के गया था, बेट्टा के कलेक्शन के ऊपर। तो अभी मेरे पास कुछ गप्पी है, इम्पोर्टेड गप्पी है। अभी 10 तरीके का, मतलब 10 वेराइटी का गप्पी होगा। तो आप धीरे धीरे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ एक एक वेराइटी का। सब पेयर में, मेल फीमेल में अवेलेबल होगा। सो दादा, फास्ट कौन से गप्पी से स्टार्ट करोगे आप? फर्स्ट ये है वाइट टॉक्सीडो, न्यू स्ट्रेन वाइट टॉक्सीडो। व्हाइट टॉक्सीडो का सब जगह एक एक आपको सिंपल मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक न्यू स्ट्रेन, मतलब मेरा खुद ये सिर्फ यहीं पे मिलेगा और कहीं हाँ, पे नहीं मिलेगा ये स्ट्रेन। मतलब आपके यहाँ से ये ब्रीड हुआ है, मतलब हाँ, ऐसे हाँ, स्ट्रेन, न्यू स्ट्रेन आए हैं? हाँ हाँ, न्यू स्ट्रेन मेरे यहाँ पे मैंने डिस्कवर किया है। हाँ, मतलब ये व्हाइट टॉक्सीडो ही है लेकिन न्यू स्ट्रेन है। उसका न्यू स्ट्रेन है, जैसे आप इसका टेल देख पा रहे हो। टेल में थोड़ा सा क्राउन टेल का फिनिश है। माइक थोड़ा सा पकड़ लो दो। हाँ, इसका जो टेल देख पा रहे हो, इसके इसके टेल में थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज फील है, जो मेल वाला है वो देख पा रहे हो। और इसके टेल में एक क्राउन टेल वाला फिनिश है। क्राउन टेल वाला बहुत ही खूबसूरत, मतलब अमेजिंग। अब सब लोग देख सकते हो, ये है व्हाइट टैक्सीडो, व्हाइट टक्सीडो का ये न्यू स्ट्रेन है। स्ट्रेन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी से बात करके ये रजिस्टर्ड करवाया जाए ये वैरायटी, हाँ, क्योंकि गप्पी इसका मोर देन 250 वैरायटीज होता है। तो वैरायटी को कभी कभी, मतलब क्रॉस ब्रीड करने से नया कोई अगर स्ट्रेन आता है तो उसको रजिस्टर भी करना पड़ता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ जो जानकार है उससे बातचीत कर रहा हूँ कि मैं ये स्ट्रेन मेरे खुद के नाम पे या फिर मेरा खुद का ब्रीड है ये। हाँ, ये आप व्हाइट टॉक्सिडो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये वाला स्ट्रेन आपको कहीं नहीं मिलेगा एक ऐसे एक्सपर्ट क्राउन को टेल क्या में। दिखाया, एक्सपर्ट को दिखाया अभी तक? हाँ, एक दो एक्सपर्ट को दिखाया है, हाँ वो बोल रहा है एक स्ट्रेन तो अच्छा है लेकिन हाँ स्ट्रेन का कोई पक्का नाम नहीं दे सकता। हाँ सो दादा, ये क्या सेलिंग के लिए है? हाँ, ये सेल के लिए अवेलेबल है। ये अगर कोई लेना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। इसका प्राइस पड़ेगा 150 रुपीज़ पर पेयर। 150 150 रुपीज़, हाँ, 150 रुपये। ठीक है। सो व्यूअर्स लोग, आप सब लोग क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है। फीमेल फीमेल जो है फुल एक लोड। फीमेल एक लोडेड है और फीमेल देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हूँ ये क्वालिटी देखकर। आप सब लोग भी दादा के फार्म पे आओ। दादा का सो व्यूअर्स लोग, आप सब लोगों को दादा का लोकेशन दे दूंगा, आप सब लोग दादा दादा से कांटेक्ट करके दादा के लोकेशन पे आके ये सब फिश देख के आप सब लोग ले सकते हो। आपको ऐसे नहीं, आपको यहाँ पर आके फिश लेना है। आप सब लोग विजिट करो दादा का फार्म, दादा का फार्म विजिट करके आप दादा का फिश का क्वालिटी देखो, इन्फॉर्मेशन लेके जाओ। सो दादा दूसरा फिश दिखाएगा। सो दादा दूसरा कौन सी फिश दिखाओगे आप? ये है, ये डार्क इलेक्ट्रिक ब्लू। इलेक्ट्रिक ब्लू जो बोलते हैं। नहीं, ये इलेक्ट्रिक ब्लू दूसरा है, ये हाँ, डार्क इलेक्ट्रिक ब्लू है। सो व्यूअर्स लोग, इसका वीडियो में अभी थोड़े देर बाद में देखा है ग्रुप में, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं ये फिश को देखकर ही मैं सोच लिया दादा का आज फार्म विजिट करूंगा, करके ये वीडियो करके लेके आऊंगा, ये देखो, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा फीमेल लगा है, मेरा। फीमेल ये फीमेल और है, मेल दोनों ही बहुत ही खूबसूरत है, आप सब लोग देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। ये फीमेल है, ये अभी बच्चा दे रहा है, ये देख सकते हो, बहुत बच्चा भी है इसमें। सो और दादा, ये एक मेल पकड़ के दिखा रहा हूँ, इसका असली फंडा इसका मेल में ही है, इसके मेल के टेल में है। सो जो दादा, मेल होता है हाँ उसका एयर भी बिग होता है, हाँ ठीक है, और उसके एयर में, मतलब आप लोग देख सकते हो, हाथ में लिया है मैंने,
एलिफेंट ईयर जैसे लगता है, एलिफेंट ईयर जैसे लगता है, और एक ब्लू ब्लू और एक ब्लूनेस है, ब्लूनेस है, लाइट ब्लूनेस। तो दादा ये क्या ग्लास में पकड़ के थोड़ा सा दिखाओगे हमारे व्यूअर्स को कैसे क्वालिटी? हाँ जरूर जरूर जरूर, उससे ही तो पता चल। सो व्यूअर्स लोग, दादा अभी क्या करेगा, आप सब लोगों को एक एक करके गप्पी फिश पकड़ के दिखाएगा। सो आप सब लोग ये पूरा वीडियो देखते रहो, बहुत ही इंजॉय करोगे ये पूरा वीडियो। सेमी एडल्ट तो ले दी, इसमें सेमी एडल्ट अडल्ट सब मिला के है। हाँ ठीक है, ये सब फैंटेल में आएगा। फैंटेल, फैंटेल का मतलब क्या है दादा? ये जो लेज का कटिंग होता है। हाँ कोई कोई होता है आपका जो पूरा राउंड शेप में आता है। हाँ उसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर। हाँ मतलब कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर टेल। हाँ और ये जो फैन कटिंग में आता है, मतलब ये जो आप देख सकते हैं इसका इसका जो टेल है इसको हाँ। बोलते हैं फैन टेल, गप्पी में इसको फैन टेल बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, अब सब लोग देख सकते हो। ये छोटा वाला ये सेमी एडल्ट है, ये एक एक हफ्ते में रेडी हो जाएगा। और ये है जो बड़ा फिन दिखाई दे रहा है। हाँ वो आपका फुल एडल्ट है। फुल एडल्ट, सेमी एडल्ट, एडल्ट बोथ सेलिंग के लिए है ना? सभी सेलिंग के लिए है। हाँ सभी सेलिंग के लिए है। सो इसका प्राइस क्या है दादा? इसका प्राइस है 120 रुपीज पर पेयर, 120 रुपया। सो व्यूअर्स लोग देख सकते हो कितना चीप प्राइस पे दादा इतना खूबसूरत फिश सेल कर रही है। मेरा भी मन कर रहा है इसे यहाँ से एक पेयर लेके जाओ। सो आप सब लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत क्वालिटी है। सो देवी और सजनो, अभी दादा क्या करेगा, दादा का जो चौथा जो टैंक है, 4 नंबर जो टैंक है, वो आप सब लोगों को दिखाएगा। बहुत ही खूबसूरत दादा का कलेक्शन है, मैं तो बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ ये वीडियो करके। आप सब लोगों को कैसे लग रहा है, आप सब लोग जरूर कमेंट करके बोलना और इस वीडियो को जरूर आप सब लोग शेयर करना। सो व्यूअर्स लोग, दादा अभी 4 नंबर जो टैंक है, इस टैंक का फिशेस का नाम क्या है मैं पहले जान लूंगा दादा से। दादा इसका नाम क्या है ये फिश का? ये है जापान ब्लू रेड टेल। जापान ब्लू रेड टेल आप सब लोग देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा पिंक पिंक भी आएगा, रेड के टेल के अंदर रेडनेस आएगा, टेल के अंदर रेडनेस आएगा। ये है ये फिश का मतलब जो आइडेंटिटी, हाँ खासियत, आप सब लोग ये देखकर पहचान पाओगे फिश को। सो आप सब लोग देख सकते हो दादा ये फिशेस को पकड़ के दिखाएगा। इसे कहते हैं कॉलीफ्लावर टेल, कॉलीफ्लावर। ये ना दो वेरिएंट में आता है। हाँ एक होता है फैन टेल जो मैंने पिछले बार बताया था, फैन टेल, और एक होता है कॉलीफ्लावर टेल। तो हाँ। मेरे पास जो है कॉलीफ्लावर टेल वाला है। हाँ सो इसका दादा अभी सेलिंग के लिए है ना? हाँ अभी सेलिंग के लिए है। इसका प्राइस क्या रहेगा दादा? इसका प्राइस है 220 रुपया करके पेयर। 220 है, थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ये थोड़ा मतलब प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन बहुत कम होता है इसका, बहुत कम होता है। तो व्यूअर्स लोग, दादा यहाँ का जितने भी फिश है आप सब लोगों को प्राइस क्या है सब कुछ मेंशन कर दिया है। सो ये सब फिश आपको अगर चाहिए तो दादा आपको दे पाएगा। इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है बिकॉज इसका प्रोडक्शन कम होता है इसीलिए। सो इसके बाद जो टैंक दिखाएगा आप सब लोगों को दिखाऊंगा, आप सब लोग देखते रहो ये पूरा वीडियो, एकदम स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखते रहना। सो दादा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है फ्लेमिंगो रेड। फ्लेमिंगो रेड, सो दादा इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे लोग पहचान पाएगा ये फ्लेमिंगो रेड है? ये देखा, अभी तो कोई भी अगर गूगल करेगा तो उसको उसको गूगल में ही आ जाएगा कि कौन सा फ्लेमिंगो रेड है या क्या है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या तुम झूठ बोल रहे हो। बाकी ये मैं दिखा रहा हूँ मेरा क्वालिटी है, ये मेरा खुद का ब्रीडिंग किया हुआ है। दादा इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब दूसरा जितना भी फिश दिखाया उससे ज्यादा होता है या कम होता है? रेड कलर का जो भी फिश होता है उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, लेकिन उसमें भी ये एक्सेप्शनल है। मैं उठा के दिखाता हूँ, साइड व्यू से दिखाइए। तो इसका जो होता है इसके पेट मतलब फीमेल को छोड़ दिए, मेल को देखिए। हाँ इसके पेट के अंदर एक पैटर्न बना होगा गोल सा, यही से आपको समझ में आ जाएगा। फ्लेमिंगो, हाँ फ्लेमिंगो रेड, बहुत ही खूबसूरत है। व्यूअर्स लोग आप सब लोग देखो, आप सब लोगों को कैसा लगा ये क्वालिटी जरूर कमेंट करके बोलना। सो दादा इसका प्राइस क्या रहेगा? ये है 120 रुपया करके पेयर। 120 रुपया करके। सो दादा आप क्या ये इम्पोर्टेड गप्पी होलसेल करते हो, मतलब कोई अगर होलसेल में लेना चाहते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी में शॉप के लिए या फिर दूसरे काम के लिए? अगर सिर्फ मेल चाहिएगा तो मेल तो सिर्फ देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। अगर फ्लेमिंगो रेड का मेल प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है तो मेल छोड़ देंगे ज्यादा, वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है। ठीक है दादा। सो व्यूअर्स लोग, दादा दूसरा जो टैंक है उसका उसमें कौन सी फिश है दादा आप सब लोगों को दिखाएगा। सो आप सब लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत से प्लांटेशन किया है दादा ने। सो आप सब लोग भी ऐसे खूबसूरत से प्लांटेशन करो बिकॉज प्लांटेड टैंक गप्पी फिशेस के लिए बहुत ही अच्छा है।
नेचुरल है, कोई नेचुरल नहीं लगता। हाँ सो दादा, आपसे अगर कोई भी ये सब प्लांट अगर चाहते हैं मतलब आपके कस्टमर, तो आप देते हो क्या, मतलब हॉर्नवर्ट या फिर दूसरे फ्री ऑफ कोर्स है ना, मतलब प्लांट हॉर्नवर्ट और ये जो इसको तो कलमी शाक बोलते हैं बांग्ला में, तो ये सब फ्री है। हाँ ये फ्री है, अगर कोई फिश लेता है तो मैं ये नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, ये अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट महीने में रेडी हो जाएगा। हाँ, इसका नाम क्या है दादा? इसका नाम है डार्क नाइट ड्रैगन। डार्क नाइट ड्रैगन। सो व्यूअर्स लोग देख सकते हो मेल का क्वालिटी, मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ इतना अच्छा लग रहा है, आप अगर सामने से आके देखते हो मतलब तो समझ पाओगे। वीडियो पे कैसे लग रहे मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सामने से अगर देख तो देख सकते हो मेल, माइंड ब्लोइंग क्वालिटी है। सो व्यूअर्स लोग देख सकते हो ये है मेल, ये डार्क नाइट ड्रैगन, इसको डार्क नाइट ड्रैगन बोलते हैं। हाँ, डार्क नाइट ड्रैगन है ये। सो ये डार्क नाइट ड्रैगन है, अब सो लोग देखो कितना खूबसूरत मेल है, ये बूडर है और इसका बच्चा आप सब लोगों को मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। सो कैसा प्राइस रहेगा सब कुछ ज्यादा से मतलब पूछ लेता हूँ। तो दादा इसका बच्चा का मतलब प्राइस कैसे रहेगा? इसका बच्चा तो नहीं, अडल्ट पेयर ही बेचूंगा, इसका बच्चा भी रेडी हो रहा है, आप देख सकते हो रेडी हो रहा है, तो इसका अडल्ट पेयर ही बिकेगा, ये पेयर बिकेगा 250 रुपीज, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होगा। कॉस्टली होगा ना, ड्रैगन वैरायटी कॉस्टली होता है। इसमें जो मेल आता है ना उसका कलर तो ज्यादा शाइनी होता है, और इस मेल और जो एयर होता है वो डम्बो होता है, और इस और एकमात्र इसमें ही फीमेल का जो लेज में जो टेल होता है, टेल में कलर इतना बढ़िया आता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। सो दादा दूसरा और कौन सी फिश दिखाओगे हमारे व्यूअर्स को? तो व्यूअर्स लोग अभी दादा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिश दिखाएगा, ये है ब्राजीलियन रेड रोज, बहुत ही फेमस फिश है, मैं भी ब्रीड किया था, ये इतना खूबसूरत फिश है ना, मेरे को तो मतलब प्यार आ गई थी एक टाइम पर ब्राजीलियन रेड रोज को ब्रीड करके, बहुत ही अच्छा ब्रीड करते हैं और बहुत ही मतलब क्या बोलो, एकदम बिगिनर के लिए ये फिश है, मतलब आप अगर बिगिनर हो तो आप ये फिश लेके जाओ, आपके फिश एक भी नहीं मरेगा और ब्रीड इतना अच्छा करेगा मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। सब सब लोग देख सकते हो ये अभी सब बच्चा है, रेडी हो रहा है। हाँ। अभी एक दो हफ्ता लगेगा ये रेडी हो जाएगा दादा। इसका एडल्ट पेयर अभी है? एडल्ट पेयर अभी नहीं है, अभी नहीं है ना, अभी सेल के लिए नहीं है, मतलब दिखा पाओगे शो कर पाओगे? ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जो नेक्स्ट बारिश हुआ था ना, उसमें मेरा डैमेज हो गया था। सो व्यूअर्स लोग आप सब लोगों को ये भी ध्यान रखना है, आप अगर ब्रीडिंग करते हो आपके फिश डैमेज भी हो सकती है, लेकिन आप डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना है, आपको मोटिवेशन रखना है। जो बच्चा हुआ था ना वो बच्चे को ही संभाल के रखा था, अभी देखिए उससे हो जाएगा। सो दादा ये क्या कॉली डर्सल है या फिर नॉर्मल जो होता है? कॉलीफ्लावर। फुल आएगा, फुल एकदम। ये तो अभी एक महीना या कुछ हुआ है, अभी तो इसका पकने का टाइम आ रहा है, इसको कलर आएगा, मतलब फिश भी पकता है उसमें कलर आता है एकदम। ये जो पकने वाला है बात है, ये आयुष विषारी के एक वीडियो पे मैं सुना था, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सही बात है, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी। सो ठीक है दादा। सो सोमदा आपके कॉन्टैक्ट एंड आपके एड्रेस अगर हमारे व्यूअर्स को शेयर करते हैं। तो अगर किसी को मेरे को व्हाट्सएप या फिर फ़ोन करना है तो मेरा नंबर पे डायरेक्ट मेरे को फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकता है, मेरा नंबर है 6290676255, ये व्हाट्सएप और कॉल दोनों ही अवेलेबल है। फेसबुक पे मेरा पेज भी है एक्वायरीना करके, तो कोई एक्वायरीना एक्वायरीना वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। और अगर एड्रेस की बात करेंगे तो ये एक्चुअल मध्यम ग्राम के साइड में है, मध्यम ग्राम का पहला स्टेशन न्यू बैरकपुर, अगर कोई शियालदा से आएगा तो उसको बिशोरपारा के बाद का स्टेशन, और अगर कोई हावड़ा से आता है तो उसको डायरेक्ट बस मिलेगा जो मध्यम ग्राम हावड़ा लेके उसको उतरना है एपीसी कॉलेज पर, एपीसी कॉलेज उतर के मेरे को फ़ोन करेगा तो मैं उसको पिकअप कर लूँगा वहाँ से। ठीक है दादा, थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए।